सब हुक्मरान ऐलान करें ये हमारी माएँ बहनें ये पेंटे शर्टे छोड़ दे और इधर लड़कियां जो भी करते हैं सरेआम आइस नशे बिक रहे हैं टीके लग रहे हैं और आम आदमी शरीफ आदमी के पास किसी के पास छुरी नहीं होगी ना टोके होंगे। जी ये एक भाई मेरे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं, ये दुनिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी कोई पैगाम देना चाहते हैं, इनसे पूछेंगे भाई क्या पैगाम आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर सुल्तान बाफी खाक मिट्टी री ढेरी। और सर की कहना चाहते हो, तुसी कह रहे थे कि मेरा पैगाम नहीं पहुंच रहा, पहुंचाओ पैगाम की कहना चाहते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला वजीर आजम आप बनते हैं या नहीं बनते फिर भी आप ऐलान करें, सब हुक्मरान ऐलान करें, आप सऊदी अरब और मदीना पाक से आ रहे हैं और इधर औरतों लंदन से आए हैं भाईजान, वो लंदन से आए हैं, वो सऊदी अरब वो पहले इधर उधर से होकर आए हैं, मदीना पाक और खाना काबा से होकर आए हैं और मैं चाहूँगा उधर का जो कानून औरतों का बुरहा पहनती है और इधर इस्लाम पाकिस्तान मदीने की रियासत बनाकर दिखाए, इधर पूरे लाहौर के अंदर ये हमारी माएँ बहनें ये पेंटे शर्टे छोड़ दे और बुरहा पहनकर बाहर निकले। पीछे वाली गली में सारी जिस्म फरोशी हो रही है वो तो आप रोकते नहीं, आप तो इधर के मुकामी हैं। वो तो इधर के हम तो मुकामी हैं मगर जो इधर की मिली जुली भगत है ना वो बहुत बुरी है ना। लड़कियाँ क्या कर रही होती हैं इधर? लड़कियां जो भी करते हैं सरेआम आइस नशे बिक रहे हैं टीके लग रहे हैं और मेरा एक ही सवाल है बस, औरतों को बुरहा पहनाएं और औरतें बुरखे के बगैर बाहर आना उसके खिलाफ वो जुर्म रखे जो उधर सऊदी अरब में है। और मेरी एक हुक्मरानों से ये भी अपील है कि हमास और फलस्तीन जो है बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद और उसके लिए भी कोशिशें करते रहें और इंशाल्लाह ताला हम वतन अजीज के लिए हाजिर है हर दम हर वक्त तैयार है हम। अच्छा पहले मेरी बात सुने, वो तो हम चले जाएंगे ठीक है अल्लाह करे हमारा जाना नसीब हो, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसको हम कैसे पहले सुधारेंगे? इस मुल्क को हम सुधारने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो जो है ना हमारे काफ़ी जो है महकमे जो है ना वो रिश्वत ले रहे हैं और गर्दारियाँ कर रहे हैं और जो है ना वो मुल्क के साथ गर्दारी है। आम आदमी आम शहरी पकड़ा जाता है, इधर नशियों ने छुड़ियाँ पकड़ी होती हैं टोके पकड़े होते हैं, वो एक आदमी को लूटते हैं, एक बचाने निकले में हमारे जैसा इंसान वो तीन छुड़िया लेकर आगे आ जाते तो क्या करे आदमी? हम गलत कर रहे हैं इनको पकड़ के इनको रोक के। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी एक ना ऐसे ही एक पुलिस वाले को कहा था यार ये छुरियाँ चाकू लेकर ना आदमियों को लूटते हैं क्योंकि मैं दरबार आता रहता हूँ, बदामी बाग मेरी रिहाइश है, और वो उसने बोला मुझे तुम ही छुरी रख लो, मैंने बोला मैंने छुरी रखूंगा तुम मुझे अंदर कर दोगे? आम आदमी शरीफ आदमी के पास किसी के पास छुरी नहीं होगी ना टोके होंगे, ये शार अगर लगा देते हैं कई आदमी कई नशई भी मर गए कई अच्छे आदमी भी मर गए हैं इधर दाता दरबार की हदूद में। इसका हल क्या? इसका हल मेन ये है कि फुल डंडा चाड़े हमारी पुलिस जो SHO है जो उनको भी पैगाम देना चाहूँगी ये सारे नशई गायब होने चाहिए, ये पार्कों के अंदर ये दरबार के अंदर ये जितनी लाइनें लगी हुई है टीके लगा रहे हैं सरेआम आइस बिक्र सरेआम नशा हर किसी को पता है, लेकिन उनको रोका जाए और आने वाली उम्मत जो है वो इंशाल्लाह ताला इस्लाम जिंदाबाद कहे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। आखिर में मैं यही पैगाम दूंगा कि पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और जिन मेरे भाई बहनों के पास मोबाइल है टच मोबाइल भी है वो उनके उनके बीच में इस्लाम की बातें ढूंढे रब ज़िदनी इल्मा के अल्लाह मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और उसके अंदर से कुरान हदीस की बातें आप पढ़ें इंशाल्लाह ताला आपकी रूह ताज़ा होगी, अल्लाह के पैगाम को सुनेंगे अल्लाह के रसूल क्या पैगाम सुनेंगे, वलियों की बातें सुनेंगे शायरी सुनेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये भी किताब घर में पढ़े कि मोहम्मद से वफा तूने के हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं, और आज की नस्ल के लिए मेरा आखिरी पैगाम और भी है। मियां मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं माँ का प्यार समुद्र डूंगा ते अंत कोई ना पावे, माँ दे पैरा हेठ जन्नत ते पाक नबी फरमावे, और जिसने काबा तकड़ा होवे तक लवे सूरत माँ दी, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छावा, माँ का साया बरकता वाला ते माँ जे रहमत रब दी, ते माँ बाप जे मिठड़ा मेवा लोगो कर लो खिदमत इना दी। एक सहाबी था वो आप सरकार की बारगाह में आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसने बोला सरकार बाप का चेहरा माँ का चेहरा रोज एक बार देखूं, एक आज का स्वाब
उसने सरकार ने फरमाया जितनी बार देखोगे उतनी बार है, रोज देखो 100 मरतबा, देखो 100 मरतबा हज का सवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये इनका पैगाम था और इन्होंने कहा कि जी जो नशे इस सरेआम बिक्री है इसके खिलाफ एकदम होने चाहिए, जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और बात भी बिल्कुल ठीक है, जो ये सरेआम फहाशी और ये नशे पत्ते कर रहे हैं, बैठ के टीके लगा रहे हैं, आगे से जो है वो छुरियाँ चाकू निकाल रहे थे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए और सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।